Welcome everybody and welcome back to my YouTube channel. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ईद आ रही है और हम मंडी तो कवर कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ मंडी क्यों, माना कि ये ईद जो है कुर्बानी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तैयार तो होना पड़ता है ना। अब तैयारी के लिए क्या करना होता है, तैयारी के लिए जाना होता है बाजार। बाजार में तो मैं आ चुकी हूँ। वैसे यू नो आई रियली वांट टू मेंशन कि यार लड़के, आप लोगों को तो मैं सलाम देती हूँ कि आप लोग एक नॉर्मल शलवार कमीज खरीदो, बस थोड़े से बाल बनाओ, जूते अच्छे पहनो और आप लोग हीरो बन जाते हो, लेकिन हम लड़कियों को थोड़े नाज नखरे उठाने पड़ते हैं। उसी तरह से मैं अपने नाज नखरे उठाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। लेकिन ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि मैं सिर्फ खरीदारी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ ईद के कपड़े खरीदूंगी नहीं, बल्कि मैं अपने ईद का जोड़ा खुद सीऊंगी भी। यस, आई एम गोइंग टू बी स्टिचिंग माई ओन ईद ड्रेसेज, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज मैंने आज तक सुई में धागा भी नहीं डाला। तो पता नहीं क्या होने वाला है, या तो कोई बहुत बड़ा ब्लंडर होने वाला है या कुछ बहुत अच्छा बनने वाला है। चले हम लोग अंदर जा करके देखते हैं और मैं आप लोग को सेकेंड चैलेंज अंदर जाके बताती हूँ। सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, दो चैलेंज है, आ जाए। ओके गाइस, मैं अंदर आ चुकी हूँ। इस मार्केट का नाम है फैसल बाजार, ये करीमाबाद में मीना बाजार के बिल्कुल सामने कराची में। मैंने सुना कि यहाँ बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं, और सस्ते कपड़ों का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने बाहर आप लोगों को बताया कि मेरा आज का सिर्फ एक चैलेंज नहीं है बल्कि दो चैलेंजेस हैं, और चैलेंज नंबर टू ये है कि मुझे ईद का जोड़ा बनाना है 3500 में। It is going to be a very big challenge for me. मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगी, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पे ये चैलेंज पूरा हो सकता है। और यू नो आई वॉज थिंकिंग कि छोटी ईद पे तो आप बहुत ज़्यादा भारी कपड़े पहन सकते हो, लेकिन बड़ी ईद जो है वो कुर्बानी में आप इतना बिजी होते हो, गोश्त संभालना होता है, मेहमान संभालने होते हैं, कुर्बानी संभालनी होती है, तो आप सिंपल कपड़े पहनो तो वो ज़्यादा बेहतर लगते हैं। और सिंपल जोड़ा तो 3500 में बन सकता है, राइट? तो चले अंदर चल के देखते हैं। मार्केट घूम ली है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे पास एक छोटी सी कन्फेशन है करने के लिए, वो ये है कि मतलब मुझे बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं आप लोगों को बताने में, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जो हूँ अपना अनस्क्रिप्टेड रॉ वर्जन आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोग मेरे ख्याल से मेरे बारे में सब हकीकत पता होनी चाहिए। आप लोगों ने मेरी रोटी वाली ब्लॉग तो देखी होगी, आप लोग ये तो जान चुके हैं कि मुझे रोटी बनानी नहीं आती, लेकिन अब आप लोगों को ये भी जान जाना चाहिए कि मुझे कपड़े खरीदने भी नहीं आते। आई नो इट्स रियली एम्बैरेसिंग, लेकिन क्योंकि मैं 4-5 साल बाहर पढ़ रही थी, वहाँ पे जो भी ईस्टर्न वेयर होता था मैं रेडीमेड ले लेती थी। जब मैं यहाँ पे वापस आई तो मुझे पता चला कि ड्रामों में तो सिर्फ और सिर्फ शलवार कमीज़ ही पहनी होती है, तो मुझे बड़ा मसला हुआ कि मैं कैसे खरीदारी करूँगी। लेकिन मुझे एक जादूगर मिल गया जिसने तब से लेके अभी तक जितने मेरे ईस्टर्न वेयर है सब उसने बनाए हैं, ड्रामों में हो या मेरे पर्सनल विंस में हो, तो मैंने आज उन्हें भी यहाँ पे बुलाया है। वो पीछे खड़े हुए, मैं आपको उनसे अभी इंट्रोड्यूस कराती हूँ। उन्हें मैंने आज यहाँ बुलाया मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि वो मेरा स्टाइल भी जानते हैं, वो मेरा नाप भी जानते हैं, और वो खरीदारी बहुत अच्छे से करने जानते हैं। तो अली, क्या आप आएंगे? दिस इज अली एंड ही इज़ अ वेरी गुड डिज़ाइनर, बहुत मशहूर मशहूर ड्रामों के जो हैं ये वार्डरोब्स बनाते हैं, और मेरे भी जितने भी आप लोगों ने अभी तक ड्रामे देखे जिन्हें मैंने शलवार कमीज़ें पहनी वो सब इन्होंने बनाए। तो अली, क्या आज आप मेरे ईद का जोड़ा बनाने में और खरीदने में मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल अली, वहाँ पे देख लें प्लीज, हमारे व्यूअर्स आपके तलबगार हैं। चले अली, आर यू रेडी? आई एम रेडी, चले। मार्केट घूम ली है और बहुत हमारी ख्वाहिश भी हो गई है, हमने बहुत अलग अलग दुकानें देखी, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ घूमने के बाद वो जो भाई थे, मुझे लगता है हमने एक ही दुकान से काट दिया, और वही भाई जो है ना, उन्हीं का लक हमारे साथ चल गया। ओ आ, 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 क्या नाम था, गौसिया, गौसिया कलेक्शन वाले जो भाई थे गाइस, जिनकी मैंने कार्ड के पीछे लिखा था, वो भाई मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन भाई के पास सबसे अच्छे कपड़े थे और सबसे सस्ते। तो आई मीन शायद सबसे सस्ते ना हो, वैसे मेरे ख्याल सबसे सस्ते भी थे, सबसे सस्ते होने के बाद लेकिन अगर सबसे सस्ते नहीं भी थे तो सबसे अच्छे बेहतरीन क्वालिटी के उनके पास थे, और हमारे बजट से भी कम में वो हमें दे रहे थे। तो चले मैं वापस उन्हीं की दुकान पे जा रही हूँ, मेरे ख्याल से फाइनल डिसीजन वहीं पे होगा। सी यू। ओके गाइस, सो वी आर बैक, हम लोग वापस आ गए हैं गौसिया कलेक्शन पे, ये रहे वो भाई। अच्छा जी भाई जी, मेरे हाथ में अब कैमरा तो पता नहीं आप लोगों को मैं नजर आ रही हूँ या नहीं, ये रहे हमारे अली पीछे, अली कैमरा मैन मेरे नीचे चुप गए हैं।
कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है ब्लॉगिंग में। अच्छा तो भाई आप मुझे ये बताएं कि हम वापस आपके पास आ गए ईद का जोड़ लेने के लिए, आपने मुझे 2300 में ये वाइट वाला बताया। तो अच्छा भाई इतने हमारे मतलब माशाल्लाह से स्मार्ट है, उन्होंने निकाल के पहले से रख दिया। अच्छा भाई मुझे सफ़ेद में और कुछ दिखा दें इसी प्राइस में, क्योंकि ये भी अच्छा है, लेकिन मुझे ना ऐसी एक शॉल दी है मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है मुजफ्फराबाद से, तो मैं चाह रही हूँ कि इस तरह का प्रिंट तो है, कुछ नया भी हो जाए, है ना। अच्छा अच्छा मैं कैमरा हैंड ओवर करती हूँ अब, क्योंकि मेरे दोनों जो हाथ हैं ना कि फ्री हो जाए। ओके चलें। अच्छा ये मुकेश का काम है, अली इज़ दिस नाइस। अच्छा अली का कहना है कि बड़ा अच्छा है ये, ठीक है। और भाई ख़राब तो नहीं होता वॉश वगैरह करने से, निकल तो नहीं जाता। ओके और इसकी क्या प्राइस है? ये आपको देंगे 25। फाइनल कितना करेंगे आप ये बता दें। जितना बारीक काम होता है उतना महंगा होता है। नहीं नहीं थैंक यू सो मच। अच्छा तो भाई नहीं, लेकिन आप मुझे ना 2000 में दे दें। मैं छूट बन के क्या मैं डिस्काउंट ले सकती हूँ? मुझे लग रहा है भाई मान रहे हैं। कितना फाइनल कर सकते हैं वो करें, ये काम इनका। मुझे लगता है आप कर लें। शर्ट दुपट्टा है, शर्ट दुपट्टा है, ये आपको 22 का दे दूँ, ठीक है? और इसके साथ चीज़ें अलग लेनी पड़ेंगी, चीज़ें अलग लेना पड़ेगी। आपने तो बोला था पूरा सूट देंगे। पूरा सूट जो मैं दूंगा ना वो यकीन कीजिएगा 3000 का, लेकिन मैंने आपको 25 फाइनल कर दिया। अच्छा ये बोल रहे हैं 2500 में, 2500 है क्योंकि आप 1000 का काम करते हैं। हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। सेकेंडली ये कि 2500 में पूरा सूट दे दूंगा मैं कंप्लीट। 2500 में लाइनिंग के साथ? लाइनिंग के साथ चले, सिर्फ आपके लिए। अच्छा चलिए 100 रुपए का डिस्काउंट तो मुझे दे देना। 2400 में मैंने भी डिस्काउंट लिया, मैं भी आज खरीदारी कर रही हूँ, भी बहुत मजा आ रहा है। अच्छा 2400 में हमने ये ले लिया है, इसका मुझे दुपट्टा दिखा दें जल्दी से व्यूअर्स को दिखाने के लिए। इसका दुपट्टे का पल्लू बना हुआ है, ये दुपट्टा है, ये दुपट्टे का पल्लू है, ये दुपट्टा यहाँ, और ट्राउजर, ट्राउजर देखिए स्लीव्स हैं, ठीक है स्लीव्स हैं, ये स्लीव्स हैं, ये मुझे देखना बहुत ज़रूरी है, ये कपड़े मुझे सीने खुद हैं। अच्छा ये स्लीव्स हैं और इसके वो ट्राउज़र, इसका ट्राउज़र मैं आपको दूंगा, लाके दूंगा। अच्छा ट्राउज़र भाई लाके दिखा रहे हैं और लाइनिंग नीचे वाइट कलर की होगी। अच्छा गाइस क्योंकि गर्मियां हैं तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो है मतलब ये भी काफ़ी पतला कपड़ा था, लेकिन इसके ऊपर काम थोड़ा भारी था, और क्योंकि मेरी दोस्त ने इस तरह का मुझे दुपट्टा दिया, सो आई डोंट वांट टू हैव अनदर यू नो सिमिलर डिज़ाइन इन माय वार्डरोब। लेकिन ये कपड़ा भी हल्का है और बड़ा हल्का सा काम भी है, और गर्मियों में बड़ा मज़ा भी आएगा। जो मैं मुझे जो भाग दौड़ करनी है अपनी बैल के आसपास कुर्बानी के वक्त, वो जो है सफ़ेद कपड़ों में थोड़ी मैं गंदी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब हम ख़रीदारी करने के बाद मिलते हैं गोदाम में। बाहर एक स्टॉल पे खड़ी हुई हूँ झूलरी के, जिनका नाम है अली जूलर्स, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 900 मेरे पास अभी भी बचे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं झूलरी की शॉपिंग कर लूँ। 900 में मुझे झुमके भी लेने हैं, 900 में मुझे जूते भी लेने हैं, और 900 में मुझे लेस भी लेनी है। ये देखिए इनके पास बड़े मज़े मज़े की झूलरी है, क्योंकि मेरा ड्रेस सिल्वर है तो कुछ सिल्वर में मुझे देखना पड़ेगा, सिल्वर और वाइट में। ये भी बहुत मज़े के हैं, और कहाँ हाँ अली ने मेरे लिए ये पसंद किया है गाइस, और मुझे बहुत मज़े का लग रहा है क्योंकि इसमें छोटे से झुमके हैं। मैं कैमरा जो है कैमरामैन को हैंड ओवर कर देती हूँ। ये देखिए इतना भारी गला नहीं था ना ड्रेस का, इतना भारी गला नहीं है, बहुत हल्का सा काम हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये गले में पहन करके बहुत मज़े का लगेगा और कानों में भी। लेकिन प्राइस तो पूछ लें, ये कितने का है भाई? 300 का पूरा डिस्काउंट तो देंगे ना, फाइनल तो नहीं है भाई? 300 का फाइनल है, 250 भाई, 50 रुपए का डिस्काउंट व्यूअर्स के लिए। चले जी आप लोग की वजह से मुझे 50 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, थैंक यू सो मच, ये मुझे पैक करके दे दें। आई विल सी यू गाइस फॉर लेस नाउ, फॉर लेस। ओके गाइस तो अली के सारे सीक्रेट्स मुझे आज पता चल रहे हैं कि ओवरनाइट मुझे सूट सी के दे देता है, वो कैसे सी के देता है, और जो डाई हो जाते हैं वो कैसे होते हैं। इस दुकान का नाम है बाबा दुपट्टा, बाबा दुपट्टा शॉप है, यहाँ से ये दुपट्टा लेते हैं। और फिर इसके साथ ही एक दुकान है जो आपको 5 मिनट के अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ, वो दुकान आपको 5 मिनट के अंदर दुपट्टा डाई करके देती है। तो अगर आपको कराची में कहीं से भी विद इन 5 मिनट्स दुपट्टा डाई कराना है तो आप यहाँ आ सकते हैं, खोरम मेकिंग सेंटर में आप आ सकते हैं, 5 मिनट में आपको दुपट्टा डाई होकर मिल जाएगा।
ओके सिल्वर काम है तो सिल्वर में मैं कुछ लेती हूँ. भाई सिल्वर के साथ कोई लेस दिखा दें दुपट्टे पे लगने के लिए, दुपट्टे के इर्द गिर्द लगने के लिए. ये डिसेंट नहीं लग रही थोड़ी ये वाली. ये दूसरी भी रखो साथ साथ रख के देखते हैं. दूसरी साथ रखो अभी. ये भी अच्छी लग रही है, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है. ये करते हैं फाइनल. चलें ये भाई किस तरह से है? 40 रुपए गज. और हमें कितने गज चाहिए? 8 गज 8 गज 9 गज 9 गज. ये दुपट्टा 9 गज का है? 3 गज का है ना, मतलब पूरा चारों तरफ. अच्छा सिर्फ चौक पे ना लगाए, मतलब चौक क्या होता है जैसे पल्लू का चौक. 20 रुपए नहीं बोलूंगी, 25 में भाई. 13 × 9 इज 270. हमारे कैमरामैन के बाद सबसे अच्छा 270 रुपीज़ की हमने ले ली. और 270 प्लस हमने वो कितने का लिया था अपने जो झुमके बोलिए हमने 250. हमारे पास अब 900 माइनस 520 हमारे पास 380 बची है चप्पल लेने के लिए. मिल जाएगी इसमें? अली कह रहे नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ करेंगे हम. चलो हम लोग पहुंच गए हैं उस दुकान पे जहां पे आकर के अली हमेशा मेरे कपड़े बनवाता है और मेरे जितने भी आशिक ड्रामों के कपड़े बने वो इस दुकान में बने. चलें अंदर जाकर के आज मैं उन लोगों के सर पे ये बॉम्ब फोड़ती हूं कि आज मैं अपने कपड़े खुद बनाने आई हूं. अस्सलाम वालेकुम. कैसे अंकल? अंकल आपने पहचाना मुझे? बिल्कुल पहचाना है. अली आता होगा आपसे मेरे कपड़े बनवाने के लिए. अच्छा अंकल आज सीन कुछ ऐसा है कि मुझे जो है ना अपने ईद के कपड़े खुद बनाने हैं. मोस्ट वेलकम. मतलब खुद बनाने का मतलब ये कि मैंने खुद स्टिच करने हैं. हां बिल्कुल. लेकिन मैंने आज तक सुई में धागा भी नहीं डाला. कोई बात नहीं है, डल जाएगा. डल जाएगा, सिखा देंगे आप. आप मुझे बताएं सबसे इजी काम कौन सा, मतलब हम शुरुआत कहां से लें? धागा ही डालना सबसे इजी है. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसके बाद आपने कटिंग करनी है. कटिंग ठीक है. उसके बाद आपने स्टिचिंग करनी है. ठीक है ठीक है. स्टिचिंग अल्लाह सुई धागे से या मशीन वाली? नहीं है हाँ, मशीन मैंने सुना ज्यादा इजी होती है. ठीक है अंकल, मैं मेरा आर्ट बहुत बुरा है तो ज्यादा काटम कूटी आप वो कर देंगे ना मुझे बनाने के लिए? आपको बताएंगे ना. आई एम रियली एक्साइटेड. चलें गाइस लेट्स डू दिस. आ जाएं अंकल. बाल मैंने अपने ऊपर बांध लिए हैं क्योंकि ऐसे लग रहा है कि जिस तरह मैं खाना बनाने जा रही हूँ, लेकिन कपड़े बनाने का काम भी खाना बनाने से बल्कि ज़्यादा मुश्किल है ना अंकल? ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए. अभी सुई धागा आ रहा है, सफ़ेद धागा और सुई और आ गया. देख लीजिए फ्रॉक नजर आ रहा है. हाँ जी ऐसे ये वाला काम मैंने अम्मी के लिए भी किया हुआ है. इसके आगे से भाई के आगे से एक और छोटा सा धागा निकल जाता है तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है. ओ यस फर्स्ट गो में अंकल पकड़ने वहाँ से मेरे लिए. लेकिन मैंने डाल दिया था गाइस, मैंने डाल दिया था. आई प्रॉमिस यू मैंने डाल दिया था. अरे मैं आदि में अंधी. हाँ 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 निकाल दें. अरे करो. ओहो यस धागा डालने एक वो मेरा पूरा हो गया. क्या कितने माइलस्टोन. चलें जी अब इसको आगे से नॉट लगानी है. अल्लाह लोग मुझे बोलेंगे बहुत ही निकम्मी हूँ, मतलब आंटियां तो ना बोलेंगी क्या है ये लड़की. अच्छा इसको बस इस तरह नॉट बांध दूं अंकल. ये हो गया अंकल. नेक्स्ट लेसन ओके कटिंग. हां चलें गाइस कटिंग पे आते हैं. आ जाएं ये देखें जी. सबसे पहले तो आप इसमें से दुपट्टा निकाल लें. हां जी यहां से कट करो इसको. यहां वो तरीका बताएं, वो जो वो तरीका होता है. देखो यूं करते हैं. ठीक है यूं कर दो. अच्छा सीधा तरीका बताएं. ये थोड़ा सा बस थोड़ा सा थोड़ा सा. हाँ अब इसको हाँ. यहाँ से लेके हाँ जी और ये हाँ हाँ ओके बस ठीक है. ये अलग हो गया. अलग हो गया ठीक है. माय मॉम्स गोना बी सो हैप्पी वाचिंग दिस. बस इतना काटूं बस? हाँ बस. हाँ हाँ जाने दो. आपको कैसे पता है बिल्कुल सीधा जाएगा? वाओ ये स्लीव्स हो गई. दिस इज सो सैटिस्फाइंग. अच्छा ठीक है ये दोनों है ये एक है? हां दोनों स्लीव्स हो गई है. ठीक है सही है स्लीव्स के एंड्स पे आएगा. हां ठीक है ठीक है ठीक है मैं समझ गई. यूं करके ना ये एक हो गई और ये वाली. हां ठीक है. हां ये एक
ठीक है, तो ये स्लीव्स हमने काट दी हैं, हमने दुपट्टा अलग कर दिया, अब क्या रह गया? अब कुछ और तो नहीं काटना हमने? नहीं, अब इसकी शमीज काटी जाएगी पहले। चले आज शमीज काटने चलते हैं। ट्राउजर शमीज इसमें है गाइस। सिगरेट पैंट्स हमने बनानी है अंकल, इसकी क्या रेंज है? जो है 2.5 गज, जो है 2.5 गज इसका कपड़ा लेना है ट्राउजर के लिए। 36 इंच का जो होता है 1 गज होता है, ठीक है, तो 2.5 गज चाहिए होगा 36 इंटू 2। अगर मीटर होता है तो 39.5 का होता है, ठीक है, तो 36 इंटू 2 विल बी 60, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और उसके अंदर और भी प्लस हो जाएगा ना, 18 और प्लस होगा, तो कितने टोटल इंच बन जाएगा? 45, 90 बन जाएगा। 90 इंच हमें चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये हमने ट्राउजर का कपड़ा निकाल दिया, एक ट्राउजर का हो गया, ठीक है, एक शमीज का हो गया, ठीक है, शमीज का भी निकाल दिया, शमीज का ये है, ठीक है, ठीक है। अब आप इसको ना आयरन करना है, चलें, आयरन तो मुझे आता है गाइस करना, तो इसकी क्रीज बनाएं आप सबसे पहले। क्रीज मतलब मुझे ये यहाँ पे लाइन डालनी होती है ना? अच्छा, तो क्रीज इसकी हम क्यों बनाते हैं? इसलिए सेंटर करने के लिए, सेंटर करने के लिए क्रीज बनाते हैं इसके ऊपर, मतलब मैं इसको जोर जोर से वो करूं, जोर जोर से नहीं, आराम से करूं। अच्छा अच्छा, अच्छा। हो गया, ये स्केल चाहिए अब हमें बस। ये आप शर्ट की कर रहे हैं? जी जी जी, ठीक है, 36, ठीक है, ये आ गया इसका 36, ये आपने 35 पे इसकी लेंथ, ठीक है, मार्किंग करो इसको, सिर्फ इसको छोड़ो, निशान लगो 35 पे, 8 इंच के ऊपर आएंगे आप। 8 इंच क्या बन रहा है? आर्म होल, आर्म होल, ठीक है। इसके बाद 15 आपकी वेस्ट आएगी। अच्छा, ये अंदाजे से आपको मतलब समझ में आता है। 22 हिप का आएगा इस, ठीक है, ओके, अब इसको हटा। अच्छा, ये फिटिंग के हम वो लगा रहे हैं? हाँ। ओके, देखो मैं थोड़ा समझ रही हूँ। I like this. This is all about coloring and cutting right now. Okay guys, ये हमने इसका पूरा structure खड़ा कर दिया, पूरी marking कर दी है कि हमारा arm hole कहाँ है, waist कहाँ है, हमारा hip कहाँ है, chest कहाँ है, और जो ये end है ये हमने दामन लिया ना, bottom लिया, और ये हम लोगों ने shoulders लिए ना सबसे, ठीक है, तो ये इतनी cutting की ना पूरी, ठीक है, अब हम cutting की तरफ चलते हैं guys. मैं अभी तक जो है बहुत मुश्किलों से आ रही हूँ, मैं बहुत मुश्किलों से ये काम कर रही हूँ, पता नहीं मेरे ईद का जोड़ा जो है मैं इस बार क्या बनाने वाली हूँ, लेकिन देखिए मैं ऑन कैमरा दिखा रही हूँ ताकि इन लोगों का नाम बदनाम ना हो कि बनाया मैंने खुद था, धोखे टेढ़ा मेरा कुछ बना तो मेरा कसूर था, सही कट है? हाँ। है, अच्छा, मतलब इससे थोड़ा दूर दूर काटना होता है ना? हाँ, इससे दूर है ना, असल मार्क ये होता है इससे ना, फिटिंग का जो है। अच्छा, तो ये फिटिंग, ये स्टिचिंग वाला मार्क है और कटिंग उससे थोड़ी दूर होती है। अच्छा, क्योंकि बीच में वो जो जगह छोड़ते हैं, गुंजाइश। जी जी, गुंजाइश है, छोटा बड़ा। अच्छा, प्राउड ऑफ मी। अच्छा, इस्त्री हो गया, अब अंकल इसको एक मिनट इस तरफ रखना है ना, आगों की तरफ इसका जो है नेक आएगा। ये शमीज का कपड़ा है बाय द वे गाइस, अब हम लोग जो एक्चुअल हमारी ऊपर दिखने वाली कमीज है वो हम काटेंगे, ये रही कैंची हमारी। अच्छा, यहाँ से शुरू करना है सीधा, मुझे पता नहीं बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं यहाँ पे सब लोग, मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, मैंने सही अंकल ये देखा कुछ हो गया मुझसे, फाइनली सही है, सही कटी है, ओके मुझे तो लग रहा है सही कट रहा है सब कुछ, हो गया बाजू भी हो गया, चले अब हम क्या कर रहे हैं अंकल? अच्छा जी, बाजू भी कट गए हैं, सब हो गया है मेरे ख्याल से, अब हम लोग को दुपट्टे की लेस पे चले जाना चाहिए, क्योंकि कमीज में मुझे ऐसा लग रहा था टाइम लगेगा, आप मुझे बताएं बल्कि अंकल के टोटल कितना टाइम लगेगा हमें दुपट्टे की लेस लगाने में, शमीज बनाने में और पूरा सूट तैयार करने में? ये तकरीबन जो है 3 घंटे लगते हैं बस, टोटल 3 घंटे में पूरा सूट बन जाता है, तो ये टेलर हमें इतनी देर तक वो क्यों कराते हैं, नचवाते क्यों है? इसलिए नचवाते हैं कि उनके पास और लोगों के भी होते हैं। अच्छा जी, अच्छा गाइस, हम लोग अपने पहले टास्क पे आ गए हैं, दुपट्टे के साइड पे लेस लगाने वाला। सबसे मजे की बात ये है कि देखिए मैं लेस उल्टी करके रख के लगा रही हूँ, लेकिन जब वो मैं स्टिच कर रही हूँ तो एक मिनट इसको दबाना था ना, हाँ कुछ मैंने गलत कर दिया, एक मिनट मुझे इसको वापस पीछे करने दें अंकल, मैं फंस गई हूँ पीछे। अच्छा जी, हाँ वो इस तरह से निकलना था, सॉरी, मैंने अभी अभी सीखा है कि इसको फोल्ड करके यहाँ पे एक चीज़ है, ये दिखाएं जरा, इस चीज़ को आप
यूं करते हो ना राइट साइड पे तो ये मशीन का ये ऊपर को उठ जाता है और फिर मैं इसको वापस अपनी टांग को लेफ्ट करूंगी तो ये फंस गया इसके अंदर, ठीक है। और अब मैंने जो है हल्का सा वो दबाना है ताकि स्टिचिंग हो, है ना। बिस्मिल्लाह, ठीक है। इसको मैं खुद ही मैं इसको पकड़ के रखूँ, है ना, यूं करके स्लो 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 में जा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, और ये मैं फिर से इसको यूं कर दूँ दुपट्टे के ऊपर, इतना तो मुझे भी समझ आ गया क्या करना है। नहीं 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 नहीं, ये मैं एक्चुअली यहाँ से इस चीज़ को मैनेज कर रही हूँ मशीन को, मुझे अंकल ने सिखाया है और अब मैंने वापस रख दिया, ठीक है। अब जो है गाइस, देखें कितनी मुसीबत ज़िंदगियाँ पड़ रही है मुझे। तो गाइस, जब मैं इसको स्टिच करूँगी तो ये वापस उल्टा होकर के आएगा, ये देखिएगा अभी, वो देखें वहाँ से इस तरफ से यूँ करके आ रहा है, लग रहा है, ठीक है। तो अब इसी तरह से पूरे दुपट्टे पे मुझे लेस लगानी है, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें मुझे दुपट्टा बहुत, इसलिए मैंने कहा सिर्फ हम लोग एंड्स पे लगा लेते हैं अली। चले भाई, ठीक है। तो ये इसी तरह स्लो स्लो थोड़ा थोड़ा लेकर ही करना पड़ता है। अच्छा, तो हर कोई ऐसे करता है या मैं ऐसे कर रही हूँ? चलें गाइस, बहुत लंबा काम है, ये मैं करके आप लोगों को एंड रिजल्ट दिखाऊंगी। चलें कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अच्छा, जो है चार मैंने कुर्सियाँ चेंज की है यहाँ पे, क्योंकि लोग मुझसे तंग आ गए थे। मैं जो हूँ इस दुपट्टे पे मैंने 4 घंटे लगाए हैं, तो जो और कारीगर काम करते हैं बोला हमारी कुर्सी छोड़ो, फिर दूसरे ने बोला हमारी कुर्सी छोड़ो। अब फाइनली मैं इस कुर्सी पे आकर के दुपट्टा कम्प्लीट हो गया है और ये देखें ये बन गया है, काफी दिनों से बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ, अंकल की मदद के बगैर ये नहीं बन सकता था, तो बस मैंने बस ये दबाया पैर को, बाकी सब कंट्रोल में। अब हम चलते हैं कमीज की तरफ। 346 मिनट्स लेटर। मैंने मशीन ही खराब कर दी, इतना बुरा मैंने कुछ किया उसको, स्लो फास्ट करते लेकिन कमीज जो अपनी आखिरी सांसों पे मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। अंकल ने लगाई वो मुझसे नहीं लग रही थी, मैं पता नहीं कहाँ से स्कूल के इर्द गिर्द से होते हुए गुजर रही थी और मैंने बीच में थोड़ा बहुत उसको फाड़ फूड भी दिया, लेकिन चलें गुजारा मेरा हो गया। और अब आप लोग मुझे इसमें देखेंगे ईद के दिन, तस्वीर मैं अभी अपलोड नहीं करूँगी, लेकिन ये मेरी कमीज है और ये मेरा दुपट्टा है एंड इन 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 शलवार भी अंकल ने बनाई है, तो मैं भी दिखा दूँगी। देखो बस इतनी सच्ची हूँ यार, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये देखें। चले ईद मुबारक। ओके गाइस, मैं वापस घर आ गई हूँ, मैं बहुत उजड़ी भी हालत में हूँ और मुझे एकदम से याद आया, खैर उजड़ी भी हालत में ज़्यादा सी बात है इसलिए हूँ क्योंकि कितने घंटे लगे यार, मतलब दिन से रात हो गई, मैंने इतनी शॉपिंग की, अल्लाह हालत नहीं बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है वैसे, लेकिन मैंने इतनी शॉपिंग की, पता नहीं क्या क्या किया, फिर इतने घंटों तक मैंने कपड़े बनाए, दुपट्टे में सिर्फ मुझे 4 घंटे लगे शायद उससे भी ज़्यादा, और कमीज़ पर तो मतलब आप मत पूछे ना, मतलब कमीज़ तो बस मैंने कम अंकल ने ज़्यादा बनाई, और स्पेशली द ज़िप इज़ रियली डिफ़िकल्ट एंड व्हाट डू यू कॉल इट, पजामा मैंने नहीं बनाया क्योंकि अगर मैं बनाने पड़ती तो और लेट हो जाते, उन लोगों को दुकान बंद करनी थी और उन लोगों के कारीगर को जाना भी था और एक मशीन चाहिए थी क्योंकि उनके पास ईद के कपड़े आए हुए थे। खैर एनीवेज, मैं ये क्लोजिंग बना रही हूँ बताने के लिए कि मुझे मार्केट से निकलते हुए याद था कि मुझे जूते भी लेने हैं, क्योंकि आई थिंक हमारा 380 या कुछ बचा था बजट में से, जिसके मुझे जूते लेते हैं, हमने सिर्फ कपड़ा दुपट्टा मतलब कपड़े हमने सिर्फ कपड़े एयररिंग्स नेकलेस और गोटा लिया था, हमने जूता भी रहता थे, हमारे जूते भी रहते थे, जूतों का बजट भी था हमारे पास,
लेकिन मेरे माइंड में था कि मुझे लेने हैं कपड़े बनाने के बाद मैं कहीं से ले लूँगी, क्योंकि कपड़े वाली मार्केट में कोई जूतों की दुकान नहीं थी, उससे ऑपोजिट एक मार्केट में थी और जो हमारे पास गोदाम था वहाँ पे लोग हमारा वेट कर रहे थे, तो हम लोगों को पहले वहाँ जाना पड़ा। एंड बस इन शॉर्ट मैं जूते नहीं ले पाई, लेकिन मैं जो हूँ ले लूँगी। तो ईद के जोड़े में आप लोग जब भी मैं पिक्चर्स शेयर करूँगी इधर उधर अपनी यू नो सोशल मीडिया पर, तो आप लोग वहाँ पर पिक्चर्स देख लीजिएगा और देख लीजिएगा मैंने क्या जूते लिए, और मैं साथ में जो है वीडियो वहाँ पर लगा दूँगी। क्या करूँ यार, मुझे इतनी सी बातें तो माफ़ कर दें, मतलब मैं 380 में ही लूँगी, अगर 380 बजट था जो भी था उतने में ही मैं लूँगी। आप मत टेंशन लें, बस मुझे सोने दें। हेलो, मैं भूल गई बताना कि पजामा मैंने नहीं बनाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब बना ही नहीं, वो बना है, आप लोगों ने देखा होगा पहले भी, अगर नहीं देखा तो आप लोगों को मैं बता दूं कि पजामा बना, लेकिन पजामा अंकल बनाया है, क्योंकि अगर अंकल ही बनाते तो मैं और भी ज़्यादा टाइम लगाती हूँ, मैं और ज़्यादा टाइम लगाती तो फिर सुबह से रात जो हुई थी उस रात से अगली सुबह हो जाती, उन लोगों की दुकान बंद करनी थी और उन लोगों के कारीगरों में जाना था, और जिन कारीगरों ने नहीं जाना था उन्होंने और लोगों के जोड़ों पर काम करना था, क्योंकि ईद करीब है तो बहुत सारे जोड़े आए हुए थे ना। बाय।